Hi, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. How are you doing? You're all right? So I'm going to discuss something about collocations in this video. English language mein collocations very important hai. Agar aapne sahi collocations lagayenge, to aapki baat sahi samjhi jayegi, grammar mein bhi, spoken English mein bhi, dono mein. Aur collocations kya hai? इसको समझने के लिए थोड़ी सी आपको सिंपल एग्जांपल दे देता हूँ. दो या दो से ज़्यादा अल्फाज मिलकर एक खास सेट बनाते हैं. वो सेट हमेशा लिखने में बोलने में इस्तेमाल होता है. वो अल्फाज दो या दो से ज़्यादा तीन चार पांच की शक्ल में इकट्ठे आते हैं. अमूमन वो सेट होता है तो वो कॉलोकेशंस कहलाती है. वो उनकी खास सेट हैं, वो इकट्ठे होते हैं. और बहुत से वर्ड हैं जिनकी अपनी अपनी कॉलोकेशंस हैं, अपने अपने सेट बने हुए हैं. मसलन डू के साथ बहुत से लफ्ज आते हैं, मेक के साथ बहुत से लफ्ज आते हैं, गेट के साथ बहुत से लफ्ज आएंगे, टर्न के साथ बहुत से, कीप के साथ बहुत से अल्फाज होंगे जो कीप की कॉलोकेशंस बन जाएंगी. तो आज जो इस वीडियो में मैं कॉलोकेशंस आपसे शेयर करूँगा वो है डू. डू एक बहुत पॉपुलर छोटा सा लफ्ज है इंग्लिश का. इसका लफ्जी तर्जमा तो आप सबको पता होगा, करना, डू. ये एक पॉपुलर मायने डू के करना सबको पता होते हैं, एक बेसिक प्राइमरी लेवल स्टूडेंट्स को. लेकिन डू के और भी बहुत से मायने होते हैं इंग्लिश लैंग्वेज में. डू के कोई 21-22 के करीब मुख्तलिफ मतलब हैं ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में. अगर आप डू के मायने चेक करें तो डू का एक सवाल के तौर पे भी होता है प्रेजेंट टेंस में इस्तेमाल. डू का मतलब एक पार्टी भी होता है, कोई अ बिग डू, एक बड़ी पार्टी. डू का मतलब ज़रूर और यकीनन भी होता है, बात पे जोर डालने के लिए कि डू गो, ज़रूर जाएं, डू ईट, ज़रूर खाएं. और डू के मायने करना भी होते हैं, और सवालों में क्या भी हो सकता है. क्या आप चाय पीते हैं, डू यू ड्रिंक टी या टेक टी. डू यू ड्राइव कार, क्या आप गाड़ी चलाते हैं. तो क्या डू के मायने भी बनेंगे प्रेजेंट टेंस में. आज जो हम इस वीडियो में डिस्कस कर रहे हैं वो डू के साथ जो मुख्तलिफ लफ्ज आ सकते हैं, वो सेट जो बनते हैं, उन्हें कॉलोकेशंस कहते हैं. डू की वो क्या क्या है, डू की कॉलोकेशंस जो बहुत ज़्यादा कॉमन हैं, पॉपुलर हैं, वो तो हमें ज़रूर मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ. बहुत सी बन सकती हैं और लेकिन जो है पॉपुलर, बहुत ज़्यादा कॉमन, तो वो आपके साथ शेयर करूँगा इस शॉर्ट वीडियो में, ताकि वो आप इंग्लिश बोलने में और राइटिंग में यूज़ कर सकें. मसलन डू जो एक लफ्ज़ है, डू के साथ और क्या सा लफ्ज़ आएगा जो कॉलोकेशंस बन जाएगी. मसलन डू वॉशिंग अप, डू वॉशिंग अप. डू और वॉशिंग अप को अगर अलग अलग कर दें तो अलग अलग तर्जमा करेंगे तो बड़ा अजीब सा तर्जमा बन जाएगा. डू का मतलब करना, वॉशिंग अप का मतलब धोना. तो करना, धोना, ये क्या मतलब है, धुलाई करना, क्या तर्जमा बनेगा. तो थोड़ा बंदा सोचने लग जाता है, कंफ्यूज होता है. तो डू वॉशिंग अप से मुराद होगी बर्तन धोना. बर्तन धोने की इंग्लिश वॉश पॉट्स भी हो सकती है, वॉश पॉट्स. लेकिन डू वॉशिंग अप, I don't do washing up. मैं बर्तन नहीं धोता, मतलब है वो क्लीनिंग वगैरह करना. तो do washing भी हो सकता है, कुछ भी धोना, do washing. और wash भी धोना होता है, लेकिन do washing ये do की collocations है जो do के साथ इस्तेमाल होंगी. इस तरह do के साथ मुख्तलिफ collocations बन सकती हैं. हम इस वीडियो में देखते हैं कि do के साथ किस किस तरह के लफ्ज आकर डू के साथ एक सेट बनकर उनकी कॉलोकेशंस बनेंगे और उनके क्या मायने बनते होंगे, क्या है. तो उनका एक एक छोटा छोटा सेंटेंस भी आपको समझ आ जाए ताकि आप उनको प्रैक्टिस कर लें, याद कर लें. लेट्स लर्न सम कॉलोकेशंस ऑफ द वर्ड डू इन दिस वीडियो. तो डू की कॉलोकेशंस में ये लिस्ट है हमारे सामने. Let's see these words. Do a course, a course करना, right? Do a deal, ये sets हैं जो do के साथ आएंगे. ये words, यानी इन words के साथ do लगेगा, ये आप समझ लें. Do के साथ ये नहीं आएंगे बल्कि इन के साथ do लगेगा, तो एक खास set बनेगा, एक खास तर्जमा बनेगा. Do a deal, कोई deal कर लेना किसी के साथ. I would like to do a deal with you. तो do a favor, कोई एक मेहरबानी करना किसी के साथ. राइट, आई वुड लाइक टू डू अ फेवर, कैन यू प्लीज़ डू मी अ फेवर. कोई मेहरबानी, एहसान कर सकते हैं. डू अ गुड,
right? If you do a good, agar aap koi acha kaam karenge, do a good, do a great job, to do karna ke maayne mein, lekin inke saath ye words, ek set collocation ki shakal hai ye. Do a report. I will do a report. Ek hota hai, I will report. मैं रिपोर्ट करूंगा एक है आई विल डू अ रिपोर्ट अब रिपोर्ट दो तरह की होती है एक होता है किसी की शिकायत करना रिपोर्ट उस सेंस में तो डू अ रिपोर्ट की जरूरत नहीं उसमें आई विल रिपोर्ट अगेंस्ट यू ठीक है ना आपके खिलाफ रिपोर्ट करूंगा तो वो उसमें डू की जरूरत नहीं है लेकिन डू अ रिपोर्ट के मायनों में होगा जिनमें कोई एग्जाम की रिपोर्ट राइटिंग होती है रिपोर्ट लिखते हैं आप सो आई विल डू अ रिपोर्ट तो मैं रिपोर्ट वाला काम करूंगा रिपोर्ट राइटिंग करूंगा तो उस सेंस में ये चलेगा यानी एक लफ्ज़ के दो दो तीन तीन मतलब भी होते हैं तो डिपेंड करता है किस सेंस में यूज़ हो रहा है डू योर हेयर Do your hair, come apne baalon ko kare. Murad kya hui, yani kanga karna, baal set wet karna, unki setting kar lena. Do your hair. To do badly or do better, do business, koi karobar karna, do business. Do someone a favor, meherbani karna kisi sa. Do something right, do something wrong. मैं जिनको मतलब समझता थोड़ा सा मुश्किल है तो उसका तर्जमा आपसे शेयर कर रहा हूँ अदरवाइज शॉर्ट सी वीडियो है तो आइडिया आपको सिर्फ हो रहा है कंसेप्ट क्लियर हो रहे हैं कि डू के कॉलोकेशंस किस तरह के लफ्ज़ हैं यानी आप सुनकर आपका जहन चाहेगा कुछ भी एग्जाम्पल सामने आ जाए तो ये बतौर एग्जाम्पल्स आपके सामने ये वर्ड्स ये एक्सप्रेशंस हैं डू सम्स यानी वो जो मैथ के सवाल होते हैं ना सम्स करते हैं तो वो डू सम्स तो उसके साथ डू सम्स हुआ डू द क्लीनिंग सफाई वगैरह करना क्लीनिंग करना डू द कुकिंग ये वो कुकिंग क्लीनिंग डिशेस ये वो अमल हैं वो शुगल हैं वो एक्टिविटीज़ हैं जो अमूमन इंसान की ज़िंदगी में होती हैं तो इन एक्टिविटीज़ को करने के लिए आप डू का वर्ड साथ कह सकते हैं डू कुकिंग आप ये भी कह मतलब आई कुक एक आपकी जॉब हो सकती है एक आपका वर्क हो सकता है लेकिन जॉब से अलावा अगर आम तौर पे कोई शख्स है को कुकिंग करता है पकाता है कभी पकाता है कभी नहीं पकाता ये उसकी जॉब नहीं है तो वो कहेगा आई डू द कुकिंग तो आई कुक एक जिसकी जॉब हो काम हो कुक का एक काम है बवर्ची वो कुक करता है अ कुक कुक्स लेकिन अ कुक डज द कुकिंग ये एक बतौर एक्टिविटी शुगल के तो आप बता सकते हैं लेकिन बतौर जॉब तो वही ज़्यादा अप्रोप्रिएट वर्ड है अ क्लीनर्स जॉब क्या है अ क्लीनर्स जॉब इज़ क्लीनिंग ही क्लीन्स राइट उसकी एवरीडे रूटीन के लिए क्लीन बोलेंगे लेकिन डू द क्लीनिंग ये एक ऐसा एक्टिविटी है जो कभी कभार मैं करता हूँ आई डू द क्लीनिंग मेरी जिम्मेदारी में क्लीनिंग है और मेरे भाई के जिम्मे में ही डज द डिशेस ये वो डिशेस की एक्टिविटी करता है यानी ये उसके जिम्मे एक अमल है काम है तो डू द डिशेस यानी बर्तन धोना डू वॉशिंग अप बर्तन धोना दोनों में इस्तेमाल होता है डू द हाउस वर्क डू द आयरनिंग डू द आयरनिंग यानी इस्त्री करना डू द आयरनिंग या आयरन दोनों के मायने इस्त्री करना आयरन भी कह दें और फ़र्क आपको बता दिया एक आयरन यानी एक बतौर जॉब एक्टिविटी ये ख़ास औकात की कोई एक्टिविटी हो कभी कभार कर ली ना की तो डू द आयरनिंग एट द वीकेंड आई डू द आयरनिंग तो इस तरह से वो चल जाएगा डू का इस्तेमाल डू क्रॉस वर्ड्स नेक्स्ट देखें ये लिस्ट है एक सामने हमारे डू क्रॉस वर्ड्स क्रॉस वर्ड्स एक गेम होती है ना न्यूज़पेपर में डू क्रॉस वर्ड्स वो वाली गेम एक्टिविटी खेलना डू डैमेज या डैमेज नुकसान पहुंचाना भी डू डैमेज कोई नुकसान कर देना किसी चीज़ का डू एक्सरसाइज वर्जिश करना डू एक्सपेरिमेंट्स तजर्बात करना डू गुड डू बैड हु अच्छा कौन करता है Do you do good? क्या आप अच्छा करते हो तो अच्छा करना कोई चीज़ तो do good. Do gymnastics और do harm वर्जिश वगैरह करना do harm नुकसान पहुँचाना किसी को कर देना किसी का नुकसान तो someone does harm and someone doesn't do harm. Someone does good, someone does bad. तो कोई अच्छा करता कोई बुरा करता कोई नुकसान पहुँचाता इस तरह ये words इन मायने में इस्तेमाल होंगे Do homework
do laundry, laundry yani wo kapde wagaira dhona, washing karna, do the math, do the maximum, iske sath do laga lein, do the maximum, do the minimum, do the paperwork, yani zyada zyada karna ya kam se kam karna, I do the minimum, main kam se kam karta hun, to do the paperwork, do the right thing, do the shopping, do the washing up, do well, do work. तो ये do की कुछ collocations example के तौर पे आपके सामने आ गई. अब आप इन collocations को इनमें से कुछ जो popular हैं बहुत वो ज़हन में रखें, उनको practice कर लें, याद कर लें. इस तरह से आपको do की collocations कुछ example के साथ मिल गई हैं. आप ने अगर दूसरी videos नहीं देखी उनको भी देखें. आपको तमाम videos जो हैं वो आपकी language के को improve करेंगी, vocabulary भी build up होगी, grammar के concept भी clear होंगे. Raza, all videos jo hai wo important hai, right? So keep watching. So I'll see you in another video. Take good care. Bye bye.